गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट को हम लोग किसी इंसेक्ट या पेस्ट के रेसिस्टेंस कैसे तैयार करते हैं और क्यों तैयार करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया, प्लांट ब्रीडिंग किए थे डिजीज रेसिस्टेंस बनाने के लिए, यानी किसी पैथोजेन से प्लांट को रेसिस्टेंस कर रहे थे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ऐसे पैथोजेन से प्लांट को हम लोग डिजीज फ्री करने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी जो है क्रॉप का बढ़ सके। उसी तरह आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग देखेंगे किस लिए, तो फॉर रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड इंसेक्ट। तो चलिए हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट ऑब्लिक पेस्ट, ये हमारा हेडिंग हुआ। आज इसी टॉपिक को हम लोग डील करेंगे, देखेंगे। पहले देखिए, जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम करने में पैथोजेन का रोल प्ले होता है, उसी तरह ये जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं, वो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रुप ऑफ थाउजेंड मिलियन के ग्रुप में आकर के पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड को बर्बाद कर देते हैं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, कोई ब्रिंजल हम लोग लाते हैं, ब्रिंजल में बहुत सारे कीड़े निकल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप मार्केट से वैसा ब्रिंजल खरीदते हैं जिसके अंदर कोई इंसेक्ट या कोई कीड़ा ना निकले। क्यों? अब आप उसको आपने परचेज नहीं किया तो वो मार्केट में क्या होगा, बर्बाद होगा, प्रोडक्टिविटी बर्बाद हो गई हमारी। तो वैसे इंसेक्ट या पेस्ट से हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बचाएंगे, उसके लिए यानी कि ऐसा प्लान तैयार करें जिसके ऊपर कोई इंसेक्ट या पेस्ट जो है वह उसका नुकसान नहीं कर सके। तो यही चीज है प्लांट ब्रीडिंग रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। ओके, तो ये इंसेक्ट और पेस्ट जो है वो हमारे प्रोडक्टिविटी के यानी क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को काफी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इंसेक्ट एंड पेस्ट रिड्यूस दी प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप एंड हार्म एग्रीकल्चरल फील्ड तो हमारे क्या करते हैं, क्रॉप को और हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड को पूरी तरह से नुकसान करते हैं। अभी हाल फिलहाल जो है आप देखे होंगे कि जो इंसेक्ट का ग्रुप है वह हरियाणा के गुरुग्राम तक पहुंचा था, और गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी प्लान करके वैसे जो है इंसेक्ट को रोकने के लिए अलग अलग रणनीति या दैट इज प्लानिंग करके उसको खत्म करने का काम किया, क्योंकि वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड करके वो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर देगा। जितना ज्यादा प्लांट बर्बाद होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे पॉपुलेशन में बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बर्बाद होगी, फूड ग्रेन्स का रेट हाई होगा। फूड ग्रेन का रेट हाई होने से जो पुअर पर्सन है, मिडिल क्लास पर्सन है, उनका परचेज कैपेसिटी बहुत कम है, तो वो परचेज कम कर पाएंगे। परचेज कम करेंगे तो यानी खाना कम खाएंगे, खाना कम खाने का मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सारे चीज को रोकने के लिए, ये सारे चीज को बैलेंस करने के लिए ही गवर्नमेंट जो है वह ऐसे जो है वह अलग अलग प्लान को करती है।
तो इंसेक्ट रेसिस्टेंस क्रॉप प्लांट, इंसेक्ट रेसिस्टेंस क्रॉप प्लांट, इंसेक्ट रेसिस्टेंस क्रॉप होस्ट क्रॉप प्लांट, क्योंकि होस्ट का मतलब होस्ट क्रॉप, इंसेक्ट रेसिस्टेंस होस्ट क्रॉप प्लांट, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल एंड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल एंड सीरियल एंड अदर फूड प्रोडक्ट। अब जो हम लोग इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट तैयार करते हैं, वो प्लांट जो होगा वो कैसे रेसिस्टेंस होता है, इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट ड्यू टू, या तो उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वैसा हो, ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल यानी प्लांट का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो कि उसके ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं कर सके, ठीक, ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल। अब इसी का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वीट प्लांट का जो सॉलिड स्टेम है, वीट का जो प्लांट है, गेहूं का पौधा जो है प्लांट है, उसका स्टेम काफी सॉलिड होता है जिसके ऊपर आसानी से कोई इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। तो ये क्या हुआ उसका, ये उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुआ जिससे उस प्लांट को इंसेक्ट से बचाने का काम करता है। तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी वीट प्लांट की हमारी बढ़ते चली जाएगी। जैसे देखिए, सॉलिड स्टेम ऑफ वीट, ये क्या करता है, रेसिस्टेंस डेवलप, रेसिस्टेंस टू डेवलप, रेसिस्टेंस टू स्टेम सॉफ्टफ्लाई, एक इंसेक्ट का नाम है स्टेम सॉफ्टफ्लाई, जो स्टेम के पार्ट पे ही अटैक करता है, लेकिन ये वीट के प्लांट के स्टेम पे अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि वीट का जो स्टेम है वो सॉलिड होता है, तो उस पे अटैक नहीं कर पाया। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन, कॉटन पे नेक्टर नहीं होता है और उसका लीव्स भी जो होते हैं वो काफी स्मूथ होते हैं, तो जिसके वजह से वहां उसके ऊपर क्या होगा, बोलवर्म का अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस टू बोलवर्म, ठीक है, यह भी इंसेक्ट का नाम है बोलवर्म, स्टेम सॉफ्टफ्लाई भी इंसेक्ट का नाम है, तो ये बोलवर्म से क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। एक एग्जांपल ये देखा, दूसरा एग्जांपल ये देखा, और अब बायोकेमिकल एक एग्जांपल देख लीजिए कि बायोकेमिकल का इसमें क्या रोल है। तो लो नाइट्रोजन सुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड मेज के प्लांट में होता है। एस्पार्टिक एसिड क्या है, एस्पार्टिक एसिड आप जान रहे हैं कि यह एक एमिनो एसिड का नाम होता है जो रेसिस्टेंस बनाता है प्लांट को, किसके, तो स्टेम बोरर से। लो
लो शुगर, शुगर का कंटेंट क्या होगा उसमें, कम होगा। लो शुगर नाइट्रोजन भी, लो शुगर नाइट्रोजन एंड लो शुगर नाइट्रोजन कंटेंट एंड हाई एस्पार्टिक एसिड इन मेज मेज डेवलप रेसिस्टेंस टू स्टेम बोरर। ये मेज स्टेम बोरर है, मेज स्टेम बोरर। तो ये देखो कि शुगर का और नाइट्रोजन का कंटेंट उसमें कम हो गया, लो शुगर नाइट्रोजन कंटेंट एंड हाई एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड आप जानते हो या एक एमिनो एसिड है, तो जिसके वजह से क्या हुआ उसमें, वह मेज स्टेम बोरर से रेसिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से ये प्लांट जो है वह डेवलप हुए, तो किससे रेसिस्टेंस हुए, तो इंसेक्ट और पेस्ट के रेसिस्टेंस हो गए। अब हम लोग इसी का कुछ एक टेबल एक दो प्लांट का बना करके देखेंगे कौन सा प्लांट किससे रेसिस्टेंस है, यही जो चीज यहां पर लिखे हैं, ऐसे कुछ कुछ प्लांट का टेबल हम लोग एक जगह करते हैं। ओके, क्रॉप रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, रीजन ऑफ रेसिस्टेंस, रीजन ऑफ रेसिस्टेंस, जन ऑफ रेसिस्टेंस और टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, चलिए देखते हैं इसको कुछ हम लोग, जैसे वीट प्लांट, वीट प्लांट है स्टेम सॉफ्ट लाइक है, अभी जो हम लोगों ने देखा था स्टेम सॉफ्ट लाइक। और ये क्यों है, क्योंकि इसमें सॉलिड स्टेम है, ठीक है। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, मॉर्फोलॉजिकल। ओके, फिर आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड, फिर से वीट प्लांट में, और यह लीफ बीटल का, लीफ बीटल क्यों हेयरी स्टेम होता है इसमें, यह भी कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल है। ओके, फिर उसके बाद में कॉटन, कॉटन में जैसिड, जैसिड और जैसिड का क्या है, इसमें भी हेयरी लीव्स हैं, हेयरी लीव्स, ये भी क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल हुआ, यह भी मॉर्फोलॉजिकल। उसके बाद फिर से देखिए कॉटन में एक और चीज, कॉटन, कॉटन जो है वह बोलवर्म का, बोलवर्म इसमें क्यों, वह स्मूथ
लीव्स, लीव्स अगर स्मूथ होगा तो वहां पर भी अटैक नहीं होगा, मॉर्फोलॉजिकल या भी है। ओके, उसके बाद में देखिए कॉटन के बाद में है मेज। मेज जो है वह स्टेम बोरर का है, ठीक। स्टेम बोरर क्यों? लो नाइट्रोजन शुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया बायो केमिकल रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इतने सारे जो है वह एक जगह हम लोगों ने ये देख लिया। अब कुछ वैरायटी जो है हम लोग देखेंगे किसके, तो कुछ वैरायटी जो ऐसे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोगों ने जो तैयार किया है, यानी दो अलग अलग प्रोडक्ट को आपस में हाइब्रिड करा करके और उसको रेसिस्टेंस बनाया है किसके, इंसेक्ट और पेस्ट के। ओके, तो अगर ये हुआ तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्रॉप जो रेसिस्टेंस है किसी इंसेक्ट या पेस्ट के, लेकिन उनको तैयार कैसे किए हैं, तो उनको हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किए हैं। क्रॉप वैरायटी और रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, क्रॉप वैरायटीज रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट ऑब्लिक पेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे पहले है ब्रासिका, ब्रासिका, ब्रासिका में जो हाइब्रिड प्रोडक्ट है वह है पूसा गौरव। पूसा गौरव किसके है? तो एसिड के रेसिस्टेंस होता है। यही सब पार्ट से आपको क्वेश्चन ज्यादा होने वाला है, पूछ देगा पूसा गौरव रेसिस्टेंस टू, तो पूसा गौरव किसके रेसिस्टेंस है? एसिड का है। या पूछ देगा पूसा गौरव किस प्लांट का नाम है, तो किस प्लांट का हाइब्रिड प्रोडक्ट है, तो वह ब्रैसिका का हाइब्रिड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ब्रैसिका आप ये याद रखेंगे, ब्रैसिका मतलब यह मास्टर्ड का पार्ट हुआ जिसे रेप सीड मास्टर्ड, ठीक है, ये उसका नाम है। फिर उसके बाद आइए फ्लैट बीन। फ्लैट बीन में है आपका पूसा सेम टू, तो यह होता है जैसिड्स एसिड्स एंड फ्रूट बोरर का, एंड फ्रूट बोरर। फिर है पूसा सेम थ्री, ठीक है, पूसा टू एंड पूसा सेम टू और पूसा सेम थ्री, ये दोनों जो है वह फ्लैट बीन के लिए ही तैयार हुआ है। फिर ओकरा, ओकरा मतलब जो हम लोग घर में यूज करते हैं भिंडी, ठीक है ना, लेडी फिंगर, तो भिंडी का नाम है पूसा सवानी। पूसा सवानी तो सूट एंड फ्रूट बोरर, फ्रूट एंड सूट बोरर, ठीक है। फिर है भिंडी, और इसी में एक होता है पूसा ए फोर, यह भी फ्रूट एंड सूट बोरर के लिए ही है। तो ये इतने जो है वह
ये एक हो गया, ये दो हो गया, और बाकी ये तीसरा जो है वो ओकरा। अब आप कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि सर पूसा वर्ड क्यों, पूसा रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, दैट मीन जो हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसी का एक ब्रांच है पूसा में, पूसा बिहार में है, तो वहां पे ये सब जो है वह तैयार किया हुआ हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो क्या है रेसिस्टेंस है एफिड के तो जैसिड्स के। अब ये सब मान लो आपको नाम कंफ्यूज कर रहा है एफिड जैसिड्स, तो ये सब इंसेक्ट का नाम है, बस इतना फिलहाल आप याद रखिए। ओके, तो इतने से आपका काम चलना है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, एमसीक्यू में यही सब रहेगा। अब देखिए अब कुछ हम लोग, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव फूड क्वालिटी, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। प्लांट की ब्रीडिंग जो है वो हम लोग कब से कर रहे हैं, तो ये बहुत पहले से कर रहे हैं, फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लगभग 1840 साल पहले से ये सारा काम जो है हम लोग करते आ रहे हैं। तो फूड इंप्रूव फूड क्वालिटी, अब ये देखिए इंप्रूव प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव फूड क्वालिटी, ये हमारा सब टॉपिक हुआ। देखिए प्लांट ब्रीडिंग हम पहले भी बताए थे कि लगभग 9000 से 11000 साल पहले ये सारा चीज टेक्निक हम लोग अपना चुके हैं, 850 साल तो कम से कम, ये 850 साल जो है लास्ट का वो बहुत ज्यादा डेवलप किया फूड के यानी क्रॉप के इंप्रूवमेंट के लिए। अब देखिए 840 million people are suffering from from hidden hunger। हिडन हंगर मतलब जिसको हम सही से जानते नहीं, लेकिन वो सफर कर रहे हैं किससे, हंगर से सफर कर रहे हैं, यानी कि उनको खाना सही से नहीं मिल रहा है। सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर या हंगर डैट इज डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड इन दी वर्ल्ड, जिसमें से अबाउट 3 million पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम, अबाउट 3 million people are suffering from hidden hunger of vitamins, minerals, protein vitamins, micronutrients, proteins, hidden hunger of vitamins,
that is deficiency of vitamins, minerals and protein. तो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर वे में जितना प्रोटीन विटामिन्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो प्रॉपर वे में उनको उतना क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है. क्यों ऐसा? बिकॉज ये पीपुल जो हैं, बिकॉज दे पीपुल कैन नॉट अफोर्ड cannot afford to buy fruit vegetable legumes fish meat क्योंकि ये सारा चीज जो है वो परचेज नहीं कर पाते हैं. ना सही से फ्रूट खरीद पाएंगे, ना वेजिटेबल खरीद पाएंगे, ना फिश, ना मीट. जिसके वजह से क्या होगा उनको, जिसके वजह से ये सारे चीज के हिडन हंगर से सफर करेंगे. देखिए हंगर increase the risk of disease, reduce mental ability and lifespan. Okay. The breeding of biofortification का हम लोग अब एक का definition देखेंगे. तो breeding of crop with breeding of crop with higher level of vitamins and minerals, vitamins and minerals or higher protein and healthier fat and higher protein and healthier fat is called biofortification. तो क्या कह रहा है कि ऐसा क्रॉप हम लोग तैयार करते हैं यानी ब्रीडिंग के थ्रू जिसमें मिनरल्स का, प्रोटीन का और हेल्दियर फैट का और विटामिन का कंटेंट अगर ज्यादा होता है उसी चीज को क्या करते हैं कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं. बायोफोर्टिफिकेशन किए हुए प्लांट में विटामिन का कंटेंट हाई होगा, फिर प्रोटीन का कंटेंट हाई होगा, उसके बाद अगर फैट है, फैट कहने का मतलब जो प्लांट से ऑयल वगैरह निकालते हैं तो वो गुड क्वालिटी वाले होंगे. ओके तो कह रहा है तो पहले तो ये तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्लांट ब्रीडिंग
इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट लाइक प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी यानी प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ा दिया, फिर उसके बाद ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, फिर थर्ड में विटामिन्स कंटेंट, फिर उसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट। तो ये सारे चीज के कंटेंट को अगर बढ़ा दिए हम लोग, तो फिर क्या हो गया, हमारा बायोफोर्टिफिकेशन से ऐसा प्लांट तैयार होगा जिसमें ये सारी चीज हो, जिसको खाने से न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी, जो रिस्क ऑफ डिजीज को रिड्यूस करेगा और मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सीरियल्स आर कॉमनली डेफिशिएंट इन, अब देखो जो सीरियल प्लांट होते हैं जैसे अनाज वाले, उसमें लाइसिन एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की, जबकि जो लेग्यूम्स होते हैं उसमें सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो जैसे मैथियोनिन और सिस्टीन की, उसी चीज को नोट डाउन करेंगे। सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान इन लेग्यूम्स आर डेफिशिएंट इन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है, मेथियोनिन एंड सिस्टीन, तो ये अब किसी एक को सीरियल को खाएंगे तो ज्यादा सीरियल खाएंगे तो लाइसिन और ट्रिप्टोफान कम मिलेगा, लेग्यूम्स प्लांट ज्यादा खाएंगे तो आपको उसमें सल्फर कंटेनिंग यानी मेथियोनिन और सिस्टीन की डेफिशिएंसी होगी। तो ये अलग अलग प्लांट का अलग अलग इश्यू है। अब कुछ एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन जैसे देखिए, हाइब्रिड मेज में तीन प्रोटीना, शक्ति और रत्ना नाम है इनका, हाइब्रिड मेज का प्रोटीना, शक्ति और रत्ना, प्रोटीना शक्ति और रत्ना, इन तीनों हाइब्रिड जो मेज हैं उसमें क्या बढ़ा दिए हम लोगों ने, तो ट्वाइस अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान को बढ़ा दिया, ऐसा तैयार किया हम लोगों ने। ये ऐसे मेज के वैरायटी तैयार किए
जिसमें नॉर्मली सीरियल में क्या कमी होती है सीरियल के प्लांट में, तो सीरियल के प्लांट में कमी है किसकी, लाइसिन की और ट्रिप्टोफान की। तो हम ऐसा मेज का हाइब्रिड प्लांट तैयार किए जिसमें, उसी का ये नाम है प्रोटीना शक्ति और रत्ना, जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान जो होंगे वो 2 times ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल मेज। Lysine and tryptophan, content than नॉर्मल मेज। तो नॉर्मल मेज के प्लांट से क्या होगा, उसमें दुगना हो जाएगा लाइसिन और ट्रिप्टोफान, ऐसा हमने हाइब्रिड तैयार किया है। फिर कुछ और दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन का। वीट, वीट का प्लांट में एक नाम है वैरायटी का एटलस 66। इसमें क्या किया हम लोगों ने, तो हाई प्रोटीन कंटेंट तैयार किए, सॉरी एटलस में वीट एटलस 66 हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट तैयार कर दिए। फिर आयरन रिच वैरायटी ऑफ राइस, आयरन रिच वैरायटी ऑफ राइस, आयरन रिच वैरायटी ऑफ राइस जो तैयार किया उसमें क्या है, 5 times मोर आयरन, 5 times मोर आयरन। ओके, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI RI ये कहां है, तो ये न्यू दिल्ली का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, न्यू दिल्ली। Develop minerals and vitamins rich vegetable, develops minerals and vitamins rich vegetables, minerals and vitamin rich vegetable and crop, एग्जाम्पल विटामिन ए इन रिच कैरट, पंपकिन, पालक यानी स्पिनेच। फिर विटामिन सी इन रिच बीटल गर्ड, बथुआ, का साग होता है बथुआ, टोमेटो एंड पंपकिन, ये सॉरी टोमेटो मस्टर्ड, ठीक है। फिर कैल्शियम एंड
कैल्शियम एंड आयरन रिच बीन्स, जिसे लबलब भी कहते हैं या फ्रेंच बीन, एंड एंड गार्डन बीन एंड गार्डन पीज, गार्डन पीज ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। अब देखो, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें हमारे बॉडी के नुकसान करने के लिए उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे एक लेग्यूम्स प्लांट है, एज ए पल्सेज के रूप में भी यूज किया जाता है उसका खेसारी, लथायरस सटाइवस उसका बोटेनिकल नेम है। तो साइनोएलानिन करके उसमें एक कंपोनेंट होता है जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पल्सेज की एग्रीकल्चर को रोक लगा दिया है। आप उसका छुप छुपा के एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बट आप उसका ऐसे लीगली एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ना मार्केट में बेचने का अलाउ है। है वो दाल, जैसे ये सब हम लोग तुअर दाल खाते हैं, वो भी एक दाल ही है, लेकिन उसके पकौड़े वगैरह बनाने में सब में यूज होता था पहले बहुत ज्यादा, और पहले के टाइम पे सबसे सस्ता दाल होता था। तो वो क्या है कि उसमें साइनोलानिन एक न्यूरोटॉक्सिक कंपोनेंट पाया जाता है, जिसको यूज करने से न्यूरल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, पैरालिसिस का कंडीशन आ जाता है बॉडी में, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। तो ऐसे इस कंपोनेंट को हम लोग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट है जिसमें के एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को हटा करके तब तो उसका यूज किया जाए, तो यानी क्या कैसे हटाएं, तो उस पार्टिकुलर फैक्टर के लिए पार्टिकुलर जीन होगा, और उस अगर जीन को प्लांट से हम लोग हटा देंगे तो वह प्लांट हमारे लिए अब यूजफुल हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को हटाना, ठीक है। तो देखेंगे इस चीज को, प्लांट ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर अब ये हेडिंग है खत्म हो गया, अब है हमारा प्लांट ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है उसके लिए कैसे प्लांट ब्रीडिंग हम लोग करेंगे। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर आर कंपाउंड प्रेजेंट इन आर कंपाउंड प्रेजेंट इन आर कंपाउंड प्रेजेंट इन फूड एंड that have adverse effect in that have adverse effect on human growth, ठीक है। अब कुछ crop, उस क्रॉप में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर और फिर उसका इफेक्ट, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड इफेक्ट। ब्रैसिका नेपस ब्रैसिका नेपस, इसको
रैपसिड, ग्लूकोसिनोलेट, ग्लूकोसिनोलेट, यूरिसिक एसिड प्रेजेंट इन ऑयल, नॉट लाइक बाय एनिमल्स, प्रेजेंट इन ऑयल, नॉट लाइक बाय एनिमल्स। ये एक्चुअल में प्लांट के ऑयल में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से प्लांट इस सीड को खाना, एनिमल इस सीड को खाना नहीं चाहता है। सेकंड देखिए, लथायरस सटाइवस, जिसे हम लोग खेसारी कहते हैं, KHESA खेसारी, ठीक है, लथायरस सटाइवस यानी खेसारी। साइनो एलानिन, साइनो एलानिन, न्यूरोटॉक्सिन, साइनो एलानिन न्यूरोटॉक्सिन, प्रोड्यूस मस्कुलर क्रैम्प, प्रोड्यूस मस्कुलर क्रैम्प एंड कॉजेज लेथरिज्म एंड कॉजेज लेथरिज्म कॉजेज लेथरिज्म। फिर है एलमोंड, एलमोंड में एमिग्डालिन, एमिग्डालिन, बिटर टेस्ट ऑफ एलमोंड, जिसके वजह से टेस्ट ऑफ एलमोंड। फिर किडनी एंड फ्रेंच बीन, किडनी एंड फ्रेंच बीन, लैक्टिंस, लैक्टिंस सैविज्म। टॉक्सिक प्रोटीन काउजेज, प्रोटीन्स काउजेज एग्लूटिनेशन ऑफ, एग्लूटिनेशन ऑफ एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। तो ये इतना सारा, ये जो हुआ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की वजह से, यानी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को हटा करके और एक प्लांट ऐसा तैयार करना जिससे क्या हो, जिसके वजह से उसमें ये सारा चीज हट जाए और वो प्लांट हमारे लिए यूजफुल हो जाए। तो यही हुआ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। देखिए आपको थोड़ा सा इसमें, ये सब बहुत ज्यादा प्लांट का मतलब ज्यादा नाम तो नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये साइनो एलानिन किसमें पूछ देगा, साइनो एलानिन किसमें है, तो साइनो एलानिन लथायरस सटाइवस में है, खेसारी में, ठीक। एलमोंड एमिग्डालिन, और किडनी एंड फ्रेंच बीन में लैक्टिंस, ठीक है। तो ये फाविज्म जो है वो एक डिजीज का नाम है, ठीक है, ये फाविज्म डिजीज का नाम है। जो इसके वजह से होता है, तो ये थोड़ा सा आपको इतना सारा चीज जो है वो ध्यान में रखना होगा। इसी के बाद हम लोग देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। तो पहले यहां तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, ओके। तो चलिए,
तो अब हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। बस हमारा एक क्लास रह गया, इसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें सिंगल सेल प्रोटीन और दूसरे प्लांट के ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओके।